So, आज अपन लोग जाने वाले हैं एक टूर पे, समझ लो लंबी लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव समझ लो, ठीक है। जो कि अपने साथ करीब 10 लोग होने वाले हैं, 10 लोग, 10 दोस्त लोग मिलके हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं 150 किलोमीटर दूर, जो कि है मानगढ़ में, जो कि श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अपन लोग रेडी होकर चलते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को वहाँ पे चल के सब कुछ दिखाते कैसा वहाँ का माहौल है। भाई लोग पहुंचने वाले हैं, जस्ट 1 किलोमीटर और बचा है। एंड इधर पे नाश्ता विस्ता फिलहाल चल रहा है। और ये रहे अपने विधायक जी, अपना फिलहाल क्या कार 90 बंदूक घर पे ही छोड़ के आए हैं, है ना राज साहब। आज इनके तरफ से समोसा की पार्टी दी जा रही है। स्टिंग इस मेरे को मिला एक फ्रूटी, सो इसका टेस्ट अपन लोग करते, ठीक है। चीयर्स। मिनी फ्लूटी, ओके। एंड बाकी के लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स को पिया, यहाँ पे स्ट्रिंग पिया जा रहा है चार्ज एनर्जी के लिए, जो दुर्गा प्रसाद हाथों में लेके बैठे हुए। कहो जान गेल कितना बड़ा नेता रहे भाई, समोसा ही खाए में जान गेल। अगर आप लोग एंट्री करोगे तो सबसे पहला अपने को सबसे पहला ये स्टैचू एंड कुछ इस टाइप का लोकेशन अपने को देखने को मिलता है। इस चीज का चार्ज नहीं है, पार्किंग भी फ्री है, पानी भी ठंडा आपको फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ विशाल अपना जूता भी फ्री रखना है। बिंदास रखो जी, हमारे रखे को भाई जूता भाई साहब गायब ना हो। अपन लोग गाइस जूता वीता रख रहे हैं। इस गेट पे यहाँ पे हाथी वगैरह बना गया दोनों साइड से, जबरदस्त ये भाई मंदिर एकदम फुल स्वर्ग जैसा देखने को मिलता अपने को। लिया के सर पे जब कृष्ण भगवान ने मर्दन किया था तो कुछ इस टाइप का सीन है, जब उनकी रानी आके क्षमा मांगने लगी थी कि हमारे कालिया जी को माफ कर दो, तो कुछ ऐसा टाइप का यहाँ पे बना के रखे हैं। और ये एक मंदिर, एक वो फुल एकदम बोले तो स्वर्ग जैसा दिखता है व्हाइट वाला मंदिर, एंड बीच में कुछ थोड़े बहुत और झांकियां, एंड वहां पे रामायण एंड बाकी का कुछ सारा चीजों को दर्शाया गया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाले सभी लोग मिलके यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह, एंड उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप लोग आके जरूर देखना, ठीक है। मानगढ़ नाम की जगह है, ये काफी दिल को चूम लेने वाला जगह है। एंड काफी टाइम से हम लोग भी सोच रहे थे यहाँ पे आने का, बट यहाँ आज फाइनली सारे दोस्त लोग मिलके आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था वो उस टाइप का कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे बात करें, यहाँ पे LED स्क्रीन आई थिंक लगा है शायद, और वहाँ का पास में चल के आप लोगों को वहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये कृपालु महाराज शायद कुछ स्टोरी वगैरह बता रहे थे। एंड अगर आप लोग गौर करोगे ना, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के सभी लोगों के आँखों में यहाँ पे आंसू आ गया है। सबको दिखाओ, पूरा एक लाइन में, एक रो टाइप में घर जैसा बना है और पूरा लाइन से यह पूरा अपने को देखने को मिलता है। श्री कृपालु जी महाराज शायद यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह हो रहा है, एंड देखोगे तो आँखों में आंसू है। स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, एंड काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी किया गया रहा। यहाँ पे लिखा गया है सरभंग आश्रम में श्री महाराज जी, सो कुछ इस टाइप का यहाँ पे बोले तो बनाया गया है। अब देखो हमारे राजा जी का शूटिंग हो रहा है लेट के, देख रहे हो। इन्हें सारे न सुधारी कृष्ण लीला, यहाँ पे पीछे सारा चीज उनका दर्शाया गया है, ठीक है, इस रूम में समझ लो। एंड इधर पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, ओके, तो अपन ऑफ कर देते हैं। भाई यहाँ पे खाली क्यों नहीं हो रहा, हम लोग अंदर कैसे? यहाँ पे गाइस काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। घर से कॉल आ रहा है कि जल्दी आ जाओ बच्चा, जल्दी आ जाओ घर पे, सुबह काम है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो गार्डनिंग वगैरह करके श्री कृष्ण यहाँ पे बोले तो अपने भगवान श्री कृष्ण का रासलीला हो रहा है एक टाइप का समझ लो, एंड लाइटिंग का कुछ डेकोरेशन वगैरह किया गया है। यहाँ पे ज्यादातर लोग दर्शन के बहाने नहीं, स्टेटस और रील फोटो के बहाने आते हैं। केरा भक्ति मंदिर, ओके गाइस, अपन लोग फोटो रील्स वगैरह शूट करने आ रहे हैं। एंड देखो काफी अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का, देखो मंदिर का। एंड रात में काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्राउड इस जगह पे रहता है भाई। एंड देखो फुल एकदम स्वर्ग के माफिक लग रहा है, एंड नीचे क्राउड भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो किस टाइप का दिख रहा है आगे सामने वो मंदिर। काफी अच्छा लाइटिंग के साथ डेकोरेशन किया गया है अपना वो है। कल अपन लोगों ने पूरा जगह विजिट तो कर लिया, मजा भी आया बिरजू, एकदम बिल्कुल मजा आया, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग ही हो गया क्योंकि कुछ लोग अलग ही जगह गायब हो गए, एंड अपन लोग कहीं और घूम रहे हैं।
गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थोड़े बहुत मिस्टेक हो गए थे इस वीडियो में क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है ना वो 3 फोन से शूट किया था, अपने फोन से और 2 दोस्त लोगों के फोन से। ठीक है, तो जो वीडियो से मांग के तो कलेक्ट कर लिया बट कुछ जो क्लिप्स था जो कि बहुत सारे मिसिंग है, बहुत सारे डिलीट हो गए, बहुत सारे मिल नहीं रहे। नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ का मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ लो एकदम अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो समझ लो उसका आधा भी नहीं है जितना मैंने वीडियो में दिखा जो कि मैंने शूट किया था अलग अलग फ़ोन से, बट वो क्लिप्स यार मिल नहीं रहे हैं जिसकी वजह से मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता। एंड एक बार सच बताओ, अगर आप लोग लाइफ में कभी उधर पर जाओगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। इस बहुत ही प्यारा जगह है एंड देखने को बहुत कुछ है। मैंने जो आप लोगों को वीडियोज़ में दिखाया वो समझ लो आधे का आधा समझ लो। ठीक है, बहुत सारे क्लिप्स मिसिंग हैं जो कि मैं दूसरे लोगों के फ़ोन में जो शूट किया था दूसरे फ़ोन से मैं वो मांगा बट सारा नहीं आ पाया। अब कुछ क्लिप्स मिसिंग है, कुछ रिपीटेड है, मतलब पूरा खिचड़ी हो गया। मेरे को एक ही फ़ोन से शूट करना चाहिए था जिसकी वजह से मेरे को वीडियोस नहीं मिले, तो जितना कुछ मिला मैंने वो एडिट करके पोस्ट कर दिया। इधर पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा और यार लाइट भी परफेक्ट नहीं रहता, मतलब शाम को आएगा कट जाएगा, ऐसा दिन में तो लाइट ही नहीं रहता समझ लो, जिसकी वजह से ना वीडियो ना रील कुछ कंटिन्यू ही नहीं कर पाता। मैं प्लान भी नहीं बनाया था कि व्लॉग करूंगा वहाँ पे जाके वीडियोस बनाऊंगा, वो तो अचानक से मूड बन गया। हम लोग रास्ते में पहुंचे तो मैं बोला चलो जब जा ही रहे तो एक छोटा सा वीडियो ही बना के पोस्ट कर दिया जाए।